सल्तनत वर्सेस मुगल्स, कंपैरेटिव एनालिसिस। इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर का अपना विशेष महत्व है। एक ओर जहां दिल्ली सल्तनत ने भारत में थर्ड अर्बनाइजेशन की नींव डाली थी, वहीं मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष में विश्व के शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्यों में गिना जाता था। आज हम इन्हीं दो एम्पायर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस कर ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों साम्राज्यों के दौरान भारत की राजनीति, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। तो आइए पहले समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर में किंगशिप या राजत्व की क्या अवधारणा थी। थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड नेचर ऑफ स्टेट। भारतीय इतिहास में सन 1206 से 1526 तक के कालखंड को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। सल्तनत कालीन शासकों के समय किंगशिप की अवधारणा समय समय पर बदलती रही। सामान्य तौर पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने मुस्लिम जगत के साथ धार्मिक एकता बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि बताया। खलीफाओं से अपने शासन को वैधता दिलाने के लिए दिल्ली सल्तनत के अधिकांश सुल्तानों ने अधिकार पत्र प्राप्त किए। खलीफाओं का नाम खुतबे और अपने सिक्कों में भी शामिल किया। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान पूरी तरह से स्वतंत्र थे। यहां तक कि मुबारक शाह खिलजी जैसे सुल्तान ने तो खलीफा के नाम मात्र की सत्ता को भी मानने से इनकार कर दिया था और स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। किंगशिप थ्योरी के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अपने आप को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि या नियाबत खुदाई मानते थे। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने राजा के डिवाइन राइट्स की धारणा में विश्वास प्रकट किया। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सुल्तान की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। बलबन ने पहले पहल सुल्तान पद के गौरव की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में भी सुल्तान की सर्वोच्चता का दावा किया। इन दोनों सुल्तानों ने राजनीति को धर्म से अलग कर दिया था और राजनीति के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में भी सर्वोच्चता का दावा किया था। वहीं लोदियों के समय हम किंगशिप की अवधारणा में बदलाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लोदी अफगान थे और अफगानी समानता के सिद्धांत को बहुत महत्व देते थे। बहलोल लोदी अपने आप को फर्स्ट अमंग द इक्वल्स कहा करता था और अपने अमीरों के साथ एक ही मसनद पर बैठा करता था। वहीं उसके पुत्र सिकंदर लोदी ने अफगान समानता के सिद्धांत के विपरीत सुल्तान की सर्वोच्च स्थिति को मान्यता दी और अमीरों को सुल्तान का सबॉर्डिनेट माना। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने अपनी अपनी सामर्थ्य और ट्रेडिशंस के अनुरूप किंगशिप की व्याख्या की थी। दिल्ली सल्तनत के बरक्स मुगल साम्राज्य में किंगशिप की अवधारणा एकदम भिन्न थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर चंगेज वंश का था। ऐसे में कोई भी अन्य अमीर मुगल वंश के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता था। जहां दिल्ली सल्तनत के शासकों ने खलीफा से कानूनी वैधता प्राप्त करने का प्रयास किया था, वहीं मुगलों ने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। वे स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। अकबर और उसके उत्तराधिकारी स्वयं को पूर्ण प्रभुता संपन्न बादशाह मानते थे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य भारत के विशाल भूभाग में फैले हुए थे। मुगल साम्राज्य तो अफगानिस्तान में काबुल से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। इतने बड़े भूभाग के प्रशासन और सुरक्षा के लिए सल्तनत कालीन सुल्तानों और मुगल बादशाहों ने भारत में एक बिल्कुल ही अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर विकसित किया था। आइए समझते हैं कि किस प्रकार सल्तनत कालीन सुल्तानों ने भारत से सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का गठन किया और बाद में मुगलों ने इसमें कौन से परिवर्तन किए। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी एंड प्रॉब्लम्स। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य दोनों ही अपने मूल स्वरूप में मिलिट्री स्टेट थे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जिस प्रशासन तंत्र का विकास हुआ, वो अब्बासी खलीफाओं, गजनवी और सलजूक प्रशासन तंत्रों पर आधारित था। इस पर ईरानी और भारतीय परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा था। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही पुरातन सामंतवादी व्यवस्था का सफाया हो गया। प्रारंभ में ऐबक और कुछ हद तक इल्तुतमिश के समय में दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मिलिट्री गैरिसन के समान थी। जैसे जैसे भारत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की पकड़ मजबूत होती गई, वैसे वैसे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया गया। इस दिशा में सबसे पहले इल्तुतमिश ने प्रयास किए। उसने दिल्ली सल्तनत को विभिन्न प्रांतों में विभाजित कर दिया और इन प्रांतों से राजस्व एकत्र करने और सैन्य नियंत्रण बनाए रखने के लिए इक्तादारों की नियुक्ति की। इक्ता व्यवस्था में इक्तादारों को नकद वेतन की जगह प्रांत का आवंटन किया जाता था। इन इक्तादारों की नियुक्ति स्थायी रूप से नहीं की जाती थी, बल्कि इन्हें 2 से 3 साल बाद दूसरे प्रांत में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इक्तादारों की जिम्मेदारी होती थी कि वे अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें और भू राजस्व एकत्र करके उससे अपने खर्च की धनराशि निकालकर शेष बची राशि को केंद्रीय कोष में जमा करवाएंगे। सल्तनत काल की एकता व्यवस्था में केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण दोनों की प्रवृत्तियां एक साथ दिखाई देती हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता व्यवस्था की इस कमी को दूर करने के लिए दीवाने मुस्तफराज नामक एक नया विभाग गठित किया, जिसका काम था अधिकारियों से बकाया रकम वसूल करना। वहीं मुगल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारी सिस्टम का विकास अकबर द्वारा किया गया था। मनसबदारी सिस्टम के तहत अकबर द्वारा सैन्य एवं असैन्य पदाधिकारियों को मिलाकर एक सम्मिलित ब्यूरोक्रेसी का गठन किया गया था। मनसबदारी सिस्टम को मुगल प्रशासन की बैकबोन माना जाता था। इससे सारे राज्य में प्रशासनिक एकरूपता आई और अमीर वर्ग की जातीय और सामंती प्रवृत्तियां कमजोर हुई। इस व्यवस्था से सामंत वर्ग पर नियंत्रण करना आसान हो गया। मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक तंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि ब्यूरोक्रेसी में शामिल अमीरों का व्यक्तिगत जुड़ाव राज्य से न होकर सुल्तानों अथवा बादशाहों से होता था, जिसके फलस्वरूप मध्यकाल में किसी स्थायी ब्यूरोक्रेसी का गठन नहीं हो सका जिसकी लॉयल्टी व्यक्ति से न होकर राज्य से हो। एक तरफ दिल्ली सल्तनत में समय समय पर केंद्रीय सत्ता को बार बार अमीरों से चुनौती मिलती रही और अयोग्य सुल्तानों को गद्दी से उतारकर नए नए राजवंश सत्ता में आते जाते रहे।
वहीं दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य में इस समस्या ने मनसबदारी क्राइसिस को जन्म दिया, जिसकी वजह से 18वीं सदी की शुरुआत में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। आइए अब हम सल्तनत काल और मुगल काल में अर्थव्यवस्था में आए बदलावों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इकोनॉमी। सल्तनत काल और मुगल काल दोनों में भू राजस्व राज्य की इनकम का मुख्य सोर्स था, इसलिए सल्तनत काल और मुगल काल दोनों में भू राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए समय समय पर प्रयास किए गए। सल्तनत काल में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने दुआब में एग्रीकल्चर लैंड की नापजोक करवाई। इसके आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया गया। तत्कालीन लेखकों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के समय में उपज का 50% भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए उसने विलेज लेवल के भू राजस्व अधिकारियों या खुद मुकदम और चौधरी के लगान वसूल करने संबंधी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। अब ये अधिकारी भू राजस्व वसूल करने के नाम पर कमीशन नहीं ले सकते थे। सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था सभी सुल्तानों के दौरान एक जैसी कभी नहीं रही। सुल्तानों द्वारा इसमें अपनी जरूरतों के अनुरूप समय समय पर फेरबदल किए जाते रहे। जैसे गयासुद्दीन तुगलक ने खालसा क्षेत्रों से मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की व्यवस्था अपनाई। इस व्यवस्था से किसानों को निश्चित रूप से लाभ हुआ, क्योंकि जहां मापन सिस्टम में फसलों के खराब होने का जोखिम मुख्य रूप से किसानों को ही उठाना पड़ता था, वहीं बंटवारे की प्रथा में लाभ और हानि दोनों में सरकार और किसान बराबर के हिस्सेदार थे। गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि की नापजोक के आधार पर लगान निर्धारण व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया, परंतु उपज के वास्तविक मूल्य के स्थान पर सरकारी मानक मूल्यों के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण करने से समूचे दुआब क्षेत्र में किसानों ने विद्रोह कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए थे। दुआब में किसानों के विद्रोह से सबक लेकर उसने किसानों को सुंदर और टकावी ऋण प्रदान किए, परंतु सल्तनत काल में कृषि सुधारों में सर्वाधिक सफलता फिरोज तुगलक को मिली। उसने सिंचाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए दुआब और हरियाणा में पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई और कई नई नहरों का निर्माण करवाया। जो किसान सिंचाई के लिए नहरों का पानी प्रयोग करते थे उनसे फिरोज तुगलक ने 10% की दर से हके शर्ब वसूल किया। अगर मुगल साम्राज्य की बात करें तो यहाँ भू राजस्व व्यवस्था की नींव बादशाह अकबर द्वारा डाली गई थी। आरंभ में अकबर ने शेर शाह सूरी द्वारा शुरू की गई जब्ती व्यवस्था को ही लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की पैमाइश के आधार पर उत्पादन का निर्धारण किया जाता था। 1570 से 1580 तक अकबर ने भू राजस्व संबंधी आंकड़े एकत्र किए, जिसके आधार पर उसने आईने दहसाला पद्धति लागू की। जब्ती प्रणाली की तरह यह प्रणाली भी भूमि की नापजोक पर आधारित थी। इस व्यवस्था में किसानों से सीधे भू राजस्व वसूल किया जाता था। इस प्रकार अकबर ने भू राजस्व वसूली में मीडिएटर्स की भूमिका को समाप्त कर दिया था। आईने दहसाला व्यवस्था की देखरेख के लिए अकबर ने टोडरमल के अधीन दीवाने आला नामक एक नए विभाग की स्थापना की। ये पद्धति थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ पूरे मुगल काल में बनी रही। दोस्तों, सल्तनत कालीन और मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद आइए अब देखते हैं कि सल्तनत और मुगल काल में अर्थव्यवस्था में मौद्रीकरण और बैंकिंग सिस्टम की क्या सिचुएशन थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही भारत में अर्थव्यवस्था में मौद्रीकरण को बढ़ावा मिला। पहली पहल सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए गए। मौद्रीकरण की यह प्रवृत्ति मुगलों के समय भी जारी रही। मुगल शासकों ने इलाही, मुहर, रुपया, जलाली, निसार और शमसब नाम से कई सिक्के जारी किए थे। अर्थव्यवस्था में सिक्कों का सर्कुलेशन बढ़ने से भारत में अनेक शहरों और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का विकास हुआ। सल्तनत काल और मुगल काल में कोई व्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली और बीमा कंपनी नहीं थी। हुंडियों के माध्यम से रुपयों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेन देन होता था। आइए अब हम सल्तनत कालीन और मुगल कालीन सामाजिक संरचना में आए परिवर्तनों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सोसाइटी। सल्तनत काल में भारतीय समाज विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में विभाजित था। इनमें हिंदू, मुस्लिम और जैन प्रमुख थे। इस काल में जिस प्रकार हिंदू समाज अनेक जातियों में विभाजित था, उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय भी अनेक नस्लों और जातियों में विभाजित था। सल्तनत काल में मुस्लिम समुदाय तुर्क, अरब, अफगान, हबशी और भारतीय मुसलमानों में बटा हुआ था। सल्तनत कालीन समाज में 14वीं सदी तक तुर्कों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ बनी रही, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अधिकांश सुल्तान इसी वर्ग से आते थे। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक वर्षों में विदेशी मुसलमानों द्वारा भारतीय मुसलमानों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इनकी सामाजिक स्थिति में खिलजी और तुगलक शासकों के समय में सुधार होना शुरू हुआ, जब इन्हें शासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। सल्तनत काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। यद्यपि हिंदू और मुस्लिम समाज में विदुषी महिलाओं के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे रजिया सुल्तान, परंतु सामान्य रूप से महिलाओं की स्थिति खराब ही कही जा सकती है। पर्दा प्रथा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में प्रचलित थी। दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी कुरीतियां प्रचलित थी। सल्तनत काल में दास प्रथा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में प्रचलित थी। मुस्लिम समाज में शाही दासों की स्थिति काफी अच्छी थी। इन्हें प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था और दासता से मुक्त होने पर ये अपनी योग्यता के बल पर सुल्तान का पद भी प्राप्त कर सकते थे। ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन इसके उदाहरण हैं। मुगल कालीन समाज की संरचना सल्तनत काल से बहुत भिन्न नहीं थी। इस काल में सिखों का एक नए धर्म के रूप में उदय हुआ और ईसाइयों की भी संख्या बढ़ी। सल्तनत काल की तुलना में हिंदू समाज में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। हिंदू पहले की तरह विभिन्न जातियों में विभाजित रहे। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप जाति प्रथा का खंडन करने वाले भक्ति संप्रदायों की स्थापना हुई, परंतु हिंदू समाज पर इनका अत्यंत सीमित प्रभाव पड़ा। इससे जाति प्रथा की जटिलता में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई।
मुस्लिम समाज के स्वरूप में भी सल्तनत काल की तुलना में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। केवल विदेशी मुसलमानों में ईरानियों की संख्या और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी तक मुगल सामंतों में दो वर्ग ही मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रह गए थे और ये थे भारतीय मुसलमान और तुरानी। मुगल काल में महिलाओं की स्थिति कमोबेश पहले जैसी ही रही। यद्यपि मुगल काल में अनेक विदुषी और प्रभावशाली महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से संबंधित थी, जैसे जहांआरा, नूरजहां, गुलबदन बेगम, चांद बीबी, दुर्गावती और ताराबाई। परंतु इस काल में सामान्य रूप से महिलाओं की स्थिति खराब ही रही और उन्हें पर्दा प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा और कन्या शिशु हत्या जैसे अमानवीय अत्याचारों को सहना पड़ता था। यद्यपि अकबर ने समाज सुधारों के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न किया था, उन्होंने महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, बहुविवाह एवं सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयत्न किया, परंतु ये प्रयास बहुत सफल सिद्ध नहीं हुए। मुगल काल में दासों की स्थिति में सल्तनत काल की तुलना में गिरावट आई। दासों को अब मात्र घरेलू सेवक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। प्रशासनिक और सैनिक पदों पर उनकी नियुक्ति बंद हो गई। सल्तनत काल की तुलना में मुगल काल में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस काल में मदरसों में मुस्लिम धार्मिक विषयों के अतिरिक्त मैथ्स, लिटरेचर और दर्शन शास्त्र जैसे विषय भी पढ़ाए जाने लगे थे। इसके फलस्वरूप गैर मुस्लिमों में फारसी भाषा सीखने वालों की संख्या में वृद्धि हुई और हिंदुओं को प्रशासनिक पदों पर बड़ी संख्या में नियुक्तियां मिलने लगी। हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच संपर्क से भारत में एक मिलीजुली परंपरा का विकास हुआ। अकबर द्वारा राजपूत शासकों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाने और वैवाहिक संबंधों की स्थापना से शासक वर्ग में भी कॉम्पोजिट कल्चर का विकास हुआ, जिसका प्रभाव मुगलों की नीतियों पर भी पड़ा। जैसे अकबर ने अपनी हिंदू प्रजा की भावनाओं का सम्मान करते हुए जजिया कर समाप्त कर दिया था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन नीतियों के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा उभर कर सामने आई। आइए अब हम सल्तनत काल और मुगल काल के धार्मिक विचारों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। रिलीजियस बिलीफ्स। सल्तनत काल में इस्लाम में सूफी विचारों का तीव्र प्रसार हुआ। इसमें तसव्वुफ के सिद्धांत के तहत खुदा तथा बंदे के मध्य प्रेम को स्वीकार किया गया। वहीं हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन का तीव्र प्रसार हुआ। गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीरा, उत्तर प्रदेश में सूरदास तथा बंगाल में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भक्ति आंदोलन का तीव्र प्रसार किया गया हुए सामाजिक समता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। मुगल काल में एक नए धर्म के रूप में सिख धर्म का तेजी से प्रसार हुआ। सिख गुरुओं ने धर्म को नैतिकता से जोड़ते हुए नैतिकता का सामाजिक आधार व्यापक किया। अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना की गई। तुकाराम जैसे संतों ने वर्ण के आधार पर सामाजिक असमानता का विरोध किया। यद्यपि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में रूढ़िवादी तत्वों का प्रभाव बढ़ा, जिससे धार्मिक सहिष्णुता में कमी आई। कंक्लूजन। सल्तनत काल और मुगल काल के तुलनात्मक अध्ययन से हम देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की तुलना में कहीं अधिक केंद्रीकृत और शक्तिशाली था। मुगल साम्राज्य के पूरे काल में एक ही वंश की सत्ता बनी रही थी, जबकि दिल्ली सल्तनत में एक के बाद एक पांच राजवंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों और बंगाल पर शासन किया था, जबकि मुगल साम्राज्य ने काबुल से बंगाल और कश्मीर से नर्मदा एवं दक्कन तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग पर शासन किया। जहां तक बात है गैर मुस्लिमों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की, तो हमें दिल्ली के सुल्तानों की तुलना में मुगल अधिक सहिष्णु दिखाई पड़ते हैं। मुगलों के समृद्ध और स्थायी शासन का एक कारण यह था कि उन्होंने शासन में हिंदुओं को भी भागीदार बनाया था और प्रशासन में उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। इससे भारतीय जनता में मुगलों की एक्सेप्टेंस बढ़ी। मुगलों ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से बेहतर राजनयिक दक्षता का परिचय दिया था। मुगलों ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सफविद और उज़्बेक जैसे पड़ोसी साम्राज्यों के साथ भी बेहतर संबंध बनाए रखे, जिसके परिणाम स्वरूप जब तक मुगल बादशाह शक्तिशाली रहे तब तक भारत नॉर्थ वेस्ट से होने वाले इन्वेशन से सुरक्षित रहा। इसके विपरीत दिल्ली के सुल्तान इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्रंट में उलझे रहे, जिसके फलस्वरूप बाहर से होने वाले हमलों के समय दिल्ली सल्तनत के शासकों को देसी राज्यों का सहयोग नहीं मिल सका। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुगलों ने हमारे समाज पर जो प्रभाव डाला है वो भारतीय इतिहास के किसी भी अन्य साम्राज्य से कहीं अधिक है।